नियम पढ़ने वाले हैं। तीन का बहुत ही जबरदस्त जानदार शानदार नियम है, बिल्कुल कहीं समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल कहीं दिक्कत हो पूछ सकते हैं। खुलेआम छूट है, खुलेआम कोई पैसा नहीं लगेगा इसका। तीन का क्या नियम है तो देखिए, हम एक बात आपको यहाँ उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। हम लिखते हैं 2, 1, 6, 3 है। उसे छोटा सा उदाहरण और लेते हैं, 3 लेते हैं 6 लेते हैं है? कहेंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं, तो हम इसमें भाग लगाएंगे, 36 में 3 से क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा, यानी देखते हैं। तो 3 से कटने के लिए 3 × 3 = 6, 12 लेते हैं एग्जाम्पल, 12 में हम 3 से क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, तो हम 3 से भाग लगाएंगे तो कई बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाता है ना, तो हमको भाग लगा के चेक करना पड़ रहा है। लेकिन हम नियम पढ़ रहे हैं तो नियम से कैसे, तो ये देखिए, ये 3 6 है ना, 3 और 6 के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 9। ये 9 जो है ये 3 से कटता है ना, अब इसमें क्या था, 1 और 2 है, 1 और 2 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ये 3 जो है ये 3 से कटता है ना, बात समझ गए आप। देखिए तो हम देख क्या रहे हैं, हम इससे सीख क्या रहे हैं कि कोई भी संख्या जो दिया हुआ है वो संख्या का ये अंक है, 3 एगो अंक है 6 भी एगो अंक है, अंक ही ना है, 3 एक अंक है और 6 एक अंक है, इसमें 1 एक अंक है या 2 एक अंक है, अंक है। तो जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या के अंक को हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अंक को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं, 9 भाई 3 के पहाड़ा में आता है, आता है। तब 3 के पहड़ा में आ गया था, बिना देखले कह देंगे कि संख्या कट रहा है, तो वही हिसाब से एकरा देखिए जोड़िए। अब वैसे नहीं जोड़ना है, प्लस करके 2 और 1 3 3 और 6 और 3 9 और 9 और 3 12, एक जोड़ कितना आ गया, 3 के पहड़ा में 12 आता है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। बिल्कुल आसान साधारण, इससे सस्ता सुविधा कुछ नहीं मिलेगा, चीप एंड बेस्ट। और बड़का संख्या लिखते हैं, 9 6 3 7 2 1 3, उसके बाद लिख देते हैं 2। अब कहेंगे कि ये संख्या भाई हमारा 3 से कटेगा कि नहीं, भाग लगाएंगे 3 से, बुड़बक है, नहीं बुड़बक नहीं, होशियार बच्चा है, इसमें क्या करेंगे सबको जोड़ जोड़ देंगे, तो 9 6 15 15 3 18 7 18 7 25 27 1 28 3 31 33 कितना आ गया, 33 आ गया ना, ये 33 आ गया, 3 के पहड़ा में 33 आता है ना, 10 10 33 11 33 33, तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। ठीक, ये बात समझ गए, तो एक आप सन्नी को बात समझ गए, बिना देख लेते समझ गए ना। तो इसमें क्या करते हैं कि संख्या के, इसमें नियम लिखेंगे कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो, 3 का गुणज हो मतलब 3 के पहाड़ा में है, 3 का गुणज हो। आप कहिएगा कि तो अब एक बार तो नहीं बात समझा देते हैं कि 33 हो गया ना, तो क्या 3 के पहाड़ा 10 तक पढ़ते तो 30 आता है, तो भाई 2 अंक की संख्या हुआ ना, तो इसको भी आप जोड़ सकते हैं, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 छोट हो गया, तो देख लेंगे कि 3 × 6 ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, तो इसको बड़ी सुंदर से उतारिए। फिर इसमें वो ट्रिक्स बताएंगे कि ये हो याद नहीं करना पड़ेगा, वो ट्रिक्स भी बताएंगे कि ये हो या नहीं याद कीजिएगा तो कैसे हो जाएगा, आप इसको उतारेंगे। अगले पढ़ लेते हैं 9 का नियम, किसका नियम, 9 का नियम, हम अगले पढ़ लेते हैं 9 का नियम, क्योंकि जैसा 3 का नियम होता है वैसा ही 9 का भी नियम होता है, बात समझ गए। तो एग्जाम्पल को मिटाते हैं, देखिए 9 का नियम क्या है, तो 9 का नियम यह है, एक उदाहरण के द्वारा समझा देते हैं, 7 लिखते हैं 2 लिखते हैं 6 लिखते हैं 3 लिखते हैं, कहेंगे कि 9 से कटेगा कि नहीं, तो भाग लगाएंगे, भाग लगाएंगे ना, तो भाग नहीं लगाना है, भाग लगाने वाला हम जोड़ लेंगे, नहीं पढ़ना है, हमको फास्ट बनना है, इसको जोड़ेंगे, 7 और 2 9 9 6 15 3 18 18। अगर अंक को, जो संख्या दिया गया है उसके अंक को जोड़ते हैं, 9 के पहड़ा वाला आता है, 9 के पहड़ा में 8 आता है ना, तो 9 के पहड़ा में 18 आता है, तो जब 18 9 के पहड़ा में आता है, यानी 18 जोड़ने से ही आ गया, तो ये पूरा संख्या 9 से कट जाएगा, पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। और लेते हैं 1 लेते हैं 3 लेते हैं 6 लेते हैं,
उसके बाद पांच लेते हैं, उसके बाद चार लेते हैं, तो कहेंगे चार लेने से एक और बढ़ा देते हैं, एक ले लिए, तीन ले लिए, छह ले लिए, पांच ले लिए, ठीक है, उसके बाद आठ ले लेते हैं, कहेंगे कि ये संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा, ये संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम चेक कर लेते हैं भाई, ये हो जाएगा चार, दस, पंद्रह, यानी नौ के पहाड़ा में सताइस आता है ना, तो संख्या पूरा कट जाएगा, बात समझ गए। तो इसमें क्या लिखेंगे कि संख्या के अंकों का योग किसका गुणज हो, नौ का गुणज हो, ठीक है, उदाहरण में आप इसको लिख सकते हैं, तो तीन और नौ का इक्की नियम हो गया। आप ऐसा नियम बताएंगे कि नियम सब फेल हो जाएगा उसके सामने में, गर्दा उड़ जाएगा, भाग कुछ नहीं देना है, देखेंगे आंख से स्वीकार कर देंगे उसको, बस संख्या दिया हुआ है, बस देखेंगे वो तुरंत कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा सब बता देंगे। अभी जो नियम बताएंगे तीन नौ का, वो शेष फल पर में भी काम आएगा, रिमाइंडर थ्योरम जब बताएंगे वहां भी काम आएगा इसका, इसलिए इसको अच्छे से सीखना है। बताते हैं वो क्या नियम है, सुन, अब देखिए, अब हम बताने वाले हैं कि तीन नौ का एगो और एक्स्ट्रा नियम क्या होता है, जरा देखते ही कहेगा कि भाग जाए, इसका भूत उतर जाएगा, इसका भूत उतर जाएगा, बहुत तेज बन रहा है, नहीं तो हमारा काट के बताओ, हमारा काट के बताओ, कहेंगे जोड़ के बताओ, अब देखिए क्या करना है, हम कहेंगे कि संख्या तीन से कट रहा है कि नहीं, पहले किससे, तीन से कट रहा है कि नहीं, हम चेक करते हैं क्या नियम है भाई। तो एकरा ये जितना संख्या दिया हुआ है ना, तो तीन तीन पूरा के काट दीजिए, चाहे तीन के पहाड़ा वाला पूरा के काट दीजिए, तो ये तीन दिखाई दे रहा है, पहले ओकरा खोजिए जो तीन के पहाड़ा में आता है, तो तीन दिखाई दे रहा है, तो कट जाएगा, तीन छह दिखाई दे रहा है, कट जाएगा, अब बच गया सात आ दू ना, तो सात आ दू कितना, नौ, सात आ दू नौ, तो तीन के पहाड़ा में नौ आता है, तो ये पूरा कट जाएगा। अब एकरा हम कह रहे हैं कि तीन से देखिए चेक करके करता है कि नहीं, तो आप कन्हू से जोड़ सकते हैं, जैसे पहला छह दिख रहा है तो तीन से कट गया, तीन से कट जाएगा, और उसके बाद हम कहेंगे कि ये पांच एक छह, पांच एक छह बुड़ गया, तो तीन से कट गया, उसके बाद आठ चार है, आठ चार बारह, तीन के पहाड़ा में तेरह, नियम का हमको जोड़ना है, हम ऐसे काट सकते हैं, हम कहेंगे इसको देखिए सात है, दो है, छह है, तीन है, उसके बाद कहें कि दो है, ये है, एक बार उसमें लगा देते हैं नौ है, नौ। हम कहेंगे कि संख्या नौ से कट रहा है कि नहीं, केकरा से कट रहा है कि नहीं, नौ से, तो नौ से कटने का भी वही नियम हो जाएगा, आप नौ ओकरा में देखिए कि नौ है कि नहीं है, और नौ नहीं है तो जोड़ जोड़ के नौ पूरा ही है, नौ से तो पहला ही कट जाएगा, सात आ दू कितना, नौ, ये दोनों खत्म हो गया, छह आ तीन कितना, नौ खत्म हो गया, एक्स्ट्रा क्या बच गया, तो पूरा पूरा नौ से कटा नहीं, तो पूरा पूरा नौ से नहीं कटा, दू जो बच गया ना, ये दू क्या होता है, जो बच जाएगा वो शेष आ जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम जब टॉपिक पढ़ेंगे, सेल्स फल परमे टॉपिक जब पढ़ेंगे, तो वहां ही काम आ जाएगा, वहां ही काम आ जाएगा। अब तीन पढ़ लिए, ओकरा बाद कितना, चार, चार हो गया, तीन पढ़ लिए, तो हमरा चार पढ़ने की जरूरत है, चार वाला तो पीछे ने बता दिए, अब कितना पढ़ेंगे, पांच, अब पढ़ने वाले हैं पांच से, यानी पांच का नियम, पांच का क्या नियम है, अब लिखिए कि पांच का क्या नियम है, पहले उसके बाद बताते क्या करते हैं। ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये सब बात तो ज्यादा क्वेश्चन अभी नहीं ना करा रहे हैं, आप जाइएगा, आपके पास जिस मास्टर का, जिस राइटर का किताब होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, सेट होगा, उसको उलट के देखना है, विभाज्यता नियम से रिलेटेड उसमें कुछ क्वेश्चन होगा, संख्या दे देगा, कहेगा कि किससे कट रहा है, संख्या दे देगा ये किससे कट रहा है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आएगा, इसको पढ़ाने के बाद क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, ठीक है। तो पांच का नियम क्या है, पांच का नियम यह है, देखिए जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझा देते हैं, हम लिखते हैं पचास, हम लिखते हैं पचास, हम लिखते हैं पंद्रह, हम लिखते हैं एक सौ पचपन, हम लिखते हैं दो हजार, कहेंगे कि पांच से कट रहा है कि नहीं, ये सब पांच से कट रहा है कि नहीं, कट जाएगा, कट जाएगा, तो पांच से दस बार में, पांच से तीन बार में, और पांच से ही देखिए पांच तिहाई पंद्रह, पांच इकाई पांच, और पांच से भी कट जाएगा, पांच चौका देख ले, हम कहेंगे इकतीस, बासठ, छत्तीस, इतना ही काफी है, इतना ही, ये पांच से कटेगा कि नहीं, ये पांच से कटेगा कि नहीं, तो इकतीस पांच से कटता है, नहीं कटेगा भाई, बासठ नहीं कटेगा, यानी ये दोनों नहीं कटेगा,
तो हम पांच के नियम में क्या देख रहे हैं कि अंतिम में या तो जीरो हो न तो पांच हो, अंतिम में पांच हो न तो जीरो हो। तो अंत का अंक इसमें देखते हैं, अंत का अंक जीरो या पांच हो, क्या देखते हैं अंत पांच में क्या देखते हैं कि अंतिम का अंक जीरो चाहे पांच हो ना, तो वो सारा संख्या पांच से कट जाएगा। जैसे उदाहरण में लिख सकते हैं पांच छ तीन नौ पांच चार जीरो, और लिख सकते हैं दो छ आठ नौ पांच पांच दो पांच, अंतिम में जीरो है अंतिम में पांच, यानी पूरा संख्या पांच से कट, इसको कटने से कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया का कोई भी बड़ी इसको कटने से नहीं रोक सकता। बड़ी मतलब शरीर, शरीर मतलब आदमी, आदमी मतलब बच्चा विद्यार्थी पढ़ने वाला, कोई नहीं रोक सकता इसको कटने से। तो देखिए इसमें एक बात जोड़ना यहाँ है कि अंत का जो अंक लिखे है ना, तो अंत के अंक के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा एक अंक, एक अंक, एक अंक क्या लिखना है एक अंक, अंक का एक अंक, इतना अंत का एक अंक इसका भी काम आएगा। ठीक है, अंत का अंक जीरो चाहे पांच हो तो कटवे करेगा। देखते हैं कि पांच के पावर एक करते हैं तो कितना, पांच, पांच के पावर दो करते हैं तो कितना, पच्चीस, पच्चीस, पांच के पावर तीन करते हैं तो कितना, पच्चीस, एक सौ पच्चीस। तो भाई जब खाली पांच से चेक करना हो तो अंत का एगो चेक करेंगे, पच्चीस से चेक करना हो अंत का दुगो, दुगो चेक करते हैं, जैसे पावर दो है तो दुगो अंक चेक करेंगे, एक सौ पच्चीस से चेक करना हो तो कई गो चेक करते हैं, तीन गो। हाँ, अगर हम कह दे कि एक दो दो पांच, बारह सौ पच्चीस है ना, हम कहेंगे कि इसको हमको चेक करना है कि पच्चीस से कटेगा कि न कटेगा, ये पच्चीस से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो पच्चीस से चेक करने के लिए अंत का कैगो चेक करते हैं, दो, दो गो चेक करते हैं, अंत का दो गो चेक करते हैं, तो अंत का दो गो पच्चीस है ना, तो पच्चीस से ही संख्या पूरा कट जाएगा। बात समझ गए, अगर हमको एक सौ पच्चीस से चेक करना होता अंतिम का कैगो चेक करते, तीन गो चेक करते, इतना बात समझ गए। चलिए अब आगे हम चलते हैं किससे, पांच के बाद किससे, पांच का छ, हाँ पांच के बाद हम पढ़ेंगे छ का नियम, किसका नियम, छ का नियम। भाई छ का नियम क्या कहता है, तो छ का नियम कुछ और नहीं कहता है, वो हम आपको दिखाते हैं कि छ का नियम क्या कहता है। लिख रहे हैं इस बात को, देखिए क्या कहता है, थोड़ा एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पर, हम एगो संख्या बारह लेते हैं, एगो संख्या बारह लेते हैं, एगो संख्या सत्ताईस लेते हैं, एगो संख्या हम मान लेते हैं चौवन, ठीक है ले ली, बड़ा बड़ा भी संख्या हो सकता है, उदाहरण छोटा संख्या से बताते हैं। तो ये बारह छ से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा, सताईस छ से कटेगा कि नहीं, कटेगा नहीं कटेगा, ये चौवन कटेगा, कट जाएगा। भाई आप देख रहे हैं तो ये बारह को आप ध्यान से देखिएगा, बारह को तो बारह तीन से कटता है, उसी हिसाब से अगर छ को हम दो से दो को भाग में तोड़ते हैं तो एगो दो आता है, तीन आता है, छ को यहाँ दो भाग में तोड़ेंगे तो दो बार तीन आ जाएगा। तो पहला बात देखते हैं कि ये आप बोले कि ये संख्या बारह कट गया छ से, तो बारह छह से कट गया, इसका मतलब है कि बारह दुइयों से कटा, तीनों से कटा, कटा कि नहीं कटा। उसके बाद अगर चौवन की बात करते हैं, चौवन तो चौवन दो से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, कट जाएगा। अंतिम का अंक चार है तो दो से तो कटवे ना करेगा। उसके बाद देखते हैं तीन से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो पांच चार कितना हो जाता है, नौ, पांच चार नौ, तो तीनों से कट गया, मतलब चौवन दुइयों से कट गया, तीनों से कट गया, इसलिए छह से कटता है। सताइस देखते हैं तो सताइस दो से कट रहा है, अंतिम में सात है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो भाई दो से तो ये नहीं कटा, ये दो से ये नहीं कट गया, इस ये तो तीन से कट रहा है, तो सात आ दो नौ, तो तीन से ही तक कट जा रहा है, ये तीन से कट रहा है, तो खाली तीन से नहीं कटना चाहिए, दोनों से कटना चाहिए। अगर दो आ तीन दोनों से कट रहा है, इसका मतलब वो छ से कट रहा है। तो छ का नियम क्या होगा कि दो एवं तीन, तीन दोनों से, दो एवं तीन दोनों से कटना चाहिए, ठीक है, दो एवं तीन दोनों से कटना चाहिए। कोई संख्या दिया हुआ है, अगर दो या तीन दोनों से कटता है, इसका मतलब वो पूरा संख्या छह से कट जाएगा। एक उदाहरण देते हैं, यहाँ बताना है कि कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, देख के बताना है। लिखते हैं दो पांच चार
6, 7 ये संख्या लिखा गया है। इस संख्या को हमको बिना पेन पेपर चलाया या देख के बताना है कि संख्या 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, देख के बताना है। 2 से कट जाएगा, 2 पहले चेक करेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं, 2 से वही ना कटेगा जितना अंत में 0, 2, 4, 6 होगा तो 2 है तो ये तो क्लियर है कि 2 से कटेगा। अब 3 से काटना है ना हमको तो 3 से तो ये 6 खत्म हो जाएगा पहले, उसके बाद 7, 2, 9 ये दोनों खत्म हो जाएगा, 5, 4, 9 ये दोनों खत्म हो जाएगा। अब अंत में क्या बच गया, 2 से तो कट गया लेकिन 3 से कटने में 2 बच रहा है, बच रहा है कि ना, तो 2 बच रहा है इसका मतलब ये संख्या 3 से 6 से नहीं कटेगा। हाँ 6 से नहीं कटेगा यानी कि ये संख्या 2 से कट गया 3 से नहीं कटा, इसका सीधा मतलब है कि 2-3 नियम हम 6 का नियम पढ़ रहे थे, संख्या 6 से नहीं कटेगा। चेक करना सीख गए, 6 से कैसे चेक करते हैं तो पहले झट से देख लेंगे कि 2 से कट रहा है कि ना, 2 से कटने का तो सीधे आंख से देख के पता चल जाएगा कि 2 से कट रहा है कि ना। अब चेक करेंगे 3 से तो कटने वाला तो बता दिए है ना, इस तरह से हम 6 से समझ लेते हैं उदाहरण से उतार। अब किसका नियम पढ़ने वाले हैं, 7 का नियम पढ़ने वाले हैं। किसका 7 का नियम बहुत ही जानदार शानदार लाजवाब है, आज तक कोई बताया नहीं है, कोई बताया भी है तो इधर उधर करके बिल्कुल समझ में नहीं आता है, लेकिन हम क्या बताते हैं 7 का वो समझिए। 7 का नियम देखिए हम उदाहरण से समझाते हैं। एक बात हम ले लेते हैं 1/63, क्या ले लिए 63 ले लिए, उसके बाद 1 ले लेते हैं हम 147 ले लिए, उसके बाद और हम ले सकते हैं क्या, एक और लिख लेते हैं हम 343। छोटा छोटा संख्या हम बड़ा संख्या भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, कट जाएगा, छोटा संख्या है तुरंत बता दिया 9/7 ये थोड़ा उससे बड़ा हो गया, 7 कटेगा कि नहीं कटेगा तो देख ले 7 × 2 = 14 कटेगा 7, ये उतनी छोटा सा देख लिए। अब ये क्या है 343, अब इसमें तो देख ले तुरंत, अब एक नाम लगाएंगे कि 7 × 4 = 28 बच गया 6 और 6 × 3 = 63 9/7 = 63 टाइम लगा तो तन्नी तन्नी को है तो इतना देर लग रहा है, भाग देना पड़ रहा है। अब हम बड़का है तो और टाइम लगेगा, चेक करना पड़ेगा 7 से भाग दे करके कट रहा है कि ना, तो हम ये नियम बताएंगे उन नियम से तुरंत कट जाएगा, ठीक है उन नियम से तुरंत कट जाएगा। तो नियम क्या है उसको हम थोड़ा चेक करवाते हैं, ये अंत का अंक क्या है 3, अंत का अंक 3 है, इसको हम दुगुना करते हैं, क्या करते हैं दुगुना, तो ये कितना होता है 3×6 तो ये बच्चल कितना है 6, तो जो बच्चल होता है ना, जो बच्चल होता है गुना करके 6 आ गया, और जो बच्चल है ओकरा में से उसको घटा दीजिए, गुना करके जो लाते हैं आज जो बच्चल है ओकरा में से घटा दिए तो 6 में से 6 जाएगा था 0। अब एकरा अंत में 7 है, 2×7 = 14 अरे 7 को अंत वाला अंक को दुगना कर दिए 7×2 = 14 बच्चल है 14 है ना, 14 में से 14 घट जाएगा तो क्या जाएगा 0। इन्हें देखते हैं अंत का अंक क्या है 3 है, इसमें को दुगना करेंगे हम घटा देंगे बचल का में से, तो बचल क्या है 34 3×6 घटा देंगे तो 14 में से 6 जाएगा था कितना बच जाएगा 14 में से 8 बच जाएगा, उसके बाद ये 2 हो जाएगा 28 आ गया 28। अब एकरा देखते हैं अंत का अंक 5, इसको क्या करेंगे दुगना करेंगे तो 5×2 क्या हो जाएगा 10 भाई, अब एकरा में से हम 10 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 322। तो पता नहीं चल रहा है कि ये हमारा है कि नहीं, जैसे इसमें क्या देख रहे हैं 0 आ गया कट गया, 0 आ गया कट गया, ये 28 आया ना, 7 के पहाड़ा में 28 आता है, अगर 7 के पहाड़ा में 28 आ गया मतलब ये पूरा संख्या कट जाएगा, 7 के पहाड़ा वाला आना चाहिए, 7 के गुणज वाला आना चाहिए, तो ये 7 के गुणज है इसको काट नहीं देंगे, 7×4 = 28 अब बच जाएगा कितना 4×2 = 42 तो तनी और बढ़ है, तो जब पता ना चले ना तो फिर एकड़ो हम दुगना कर सकते हैं तो हो जाएगा 2×2 = 4 2×2 = 4 आई बच्चल ही ना है, क्या कर देंगे घटा देंगे तो 28 आ गया, अब 28 तब देख लेना कि पक्का कटेगा भाई 7 से, तो क्या करते हैं 7 के केस में क्या करते हैं, कोई संख्या दिया गया है वो संख्या के अंतिम अंक को दुगना करते हैं, अंतिम अंक को दुगना करते हैं, और जो संख्या बच्चल है ओकरा में से घटा देते हैं, दुगना करते हैं बच्चों संख्या में से घटा देते हैं,
जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट क्या होना चाहिए, सात के पहाड़ा वाला आना चाहिए या सात से वो रिजल्ट कट जाना चाहिए, तो पूरा संख्या सात से कट जाएगा। तो सात के केस में क्या सीखे, दिया गया संख्या है, संख्या के अंक को दुगना करते हैं, बचल संख्या में से घटा लेते हैं, घटाने के बाद रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट जो आया अगर वो सात से कटता है तो पूरा संख्या सात से कट जाएगा। पूरा कहीं भी आप YouTube पर पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, नियम मिलना बहुत मुश्किल है। आलतू फालतू मन में जे आता है कैसे उठा के कुछ पढ़ा देता है, भर भर के लाइक का सब्सक्राइब मिलता है भर भर के। इस तरह से पढ़ाई नहीं करना है, एक तरीका से पढ़ाई करना है। तो सात का नियम लिख लीजिएगा आप अपने से, देखिए क्या होता है सात का नियम, संख्या के अंत के अंक को दुगुना करते हैं, दुगुना करके शेष संख्या में से घटा देते हैं। यदि रिजल्ट सात का गुणज, रिजल्ट सात का गुणज या जीरो भी तो आया है, सात का गुणज या जीरो हो तो पूरी संख्या सात से कटेगी, पूरी संख्या सात से कटेगी। इतना बात समझ गए, कितना बात समझ गए, चलिए बेहतर तरीका से समझ चुके हैं, उसको सुंदर सुंदर उतारिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, इसको रिवाइज कीजिए, तनका सा रिवाइज कीजिएगा, नियम याद हो जाएगा। आठ तो हो गया, आठ तो बता दिए ना, दो के पहाड़ा वाला दो वाला जो बताए वो हमारा आठ का हुआ, दस का तो नियम, उसके बाद नौ का पढ़ चुके हैं, दस का क्या नियम होता है मुहे मुहे याद करिए, अंतिम का अंक जीरो है, दस से कटने का क्या नियम है, अंतिम का अंक जीरो है तो दस से पूरा पूरा कट जाएगा। इतना बात समझ गए, आज 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 के लिए हम दस तक ही रखते हैं, अब एक से लेके यानी जीरो से लेके दस तक के बीच का जो जो क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चन को अभी हम यहाँ लिखते हैं।